नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं, परिवार के लोग मौजूद हैं और ससुराल से पीड़ित है लड़की जिसके घर वाले यहाँ मौजूद हैं। एक बार जानेंगे कि क्या बात है और क्या हुआ था। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम चंचल है। और लड़की का क्या नाम? सोनिया। आप मम्मी आपके? जी। तो बताएं क्या हुआ, शादी कब हुई थी? शादी मतलब 2019 में हुई थी। और काफ़ी मतलब कि जब से मैंने शादी करी है हर वक्त इनके घर में नोक झोंक चलती रहती थी। बेल्टों से मारना, कभी कुछ गाली गलौज देना, कभी उनके परिवार वालों को गाली देना, लड़की के पियर वालों को। और कल तो उसको मारते मारते किसी शादी में गए थे कल ये, तो कि उस मारते मारते उस वाटिका से घर तक लेके आया। फिर उस बस उसने ये कही, आपने मेरे पापा से नमस्ते नहीं करी। वो फौज से आए हैं, मतलब 6-7 महीने में आपका आमना सामना हुआ है तो आपने नमस्ते नहीं करी। उन्होंने कहा निकम्मे खानदान के लोग हैं, मैं उनसे नमस्ते नहीं करता। इस बात पे उसे मारा और उसे मारते मारते घर तक लाया और फिर कहा मर जा, तू भी मरती है तो मर जा। और उसके बड़े भैया खुद कह रहे हैं इस बात है, उस लड़के के बड़े भैया। बच्चा भी? बेटा बेटी है। डेढ़ साल का बेटा है और 3 साल की बेटी है। और ये क्या नाम है लड़के का? सतवीर। फौज में है वो? फौजी है। फौजी आदमी है ना, 3-3 मंजिल में खूब सेवा करा जी हमारी बेटी उनकी। और घर पे भी ना आने दे मैं, और छोड़ेंगे तो मार मार के छोड़ के जाएंगे 3-3 महीने के लिए। तो ऐसा क्या है जबकि लड़का भी फौज में है? कोई ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई काम धंधा नहीं कर रहा हो या कुछ ऐसे कायम है? अगर उनने पेप्सी भी पी ली ना तो ये ऐसे कैसे पीनी, पीना पूछे ऐसे कैसे खा लिया तुमने, दूध कैसे पी लिया, छोटी छोटी बातों को तो टॉर्चर। तू बिगड़े परिवार की है, तू चट्टो है, ऐसे गंदी गंदी बात। तू मर जा, हमें पसंद ना है तू, तू रांड की बेटी है, हम ना लेते तुझे। हमने गाड़ी और 20 लाख रुपया दिया, हमने 20 लाख का दहेज शादी में। अच्छे हिजड़े भी लगते हैं, देर से अच्छे तो हिजड़े भी लगते हैं। शादी कर लूंगा मैं। हाँ, घर वाला बोलता है इसे आकर को तो, ये मतलब देर से अच्छे तो हिजड़े भी लगते हैं। अच्छा, ये शादी जो हुई थी ये राजी वाजी से इसको लव मैरिज तो नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज, रजामंदी से। तो तब नहीं दिख रहा? आप अच्छे हो, आपके अंदर की भावनाएं कैसी कौन जानता है। तो लड़के को नहीं दिख रहा था? रिंग सेरेमनी करवाई थी घर, 1 तोले की अंगूठी पराई थी उन्होंने आपस में 100 लोगों के बीच में। एल्बम है जब इन्होंने कुछ नहीं करी है मैंने। और ये कहाँ रहते? नगला। आप भी खड़ा, बेटा भी खड़ा, बाप भी मारते। हाँ, तो ये कोई लड़की की कोई गलती भी तो हो कि लड़की का क्या दोष है? यही बोला कि आपने मेरे पापा का मान सम्मान नहीं करा, उनको जो भी अपने नमस्ते वगैरह नहीं करी। उन्होंने ये बोल दिया कि निकम्मे खानदान के लोग हैं, मैं उन लोगों से नमस्ते नहीं करता। और किसी बेटी के सामने तुम उसके पियर वालों की बुराई करोगे तो वो तो यही एक्शन लेगी। फिर उसे को इसी बात पे उस पर मार लगाता घर लेके गया। 2 साल से मार लगा रहा, 2 साल। और उसे मतलब हर महीना कोई एक महीना ऐसा नहीं रहता जो इनके घर में कलेश नहीं होता हो। हाँ, मजबूरी करा जो कभी कोई कंप्लेंट नहीं करी पुलिस से? कंप्लेंट करी, आप सुबह आएंगे? नहीं, इससे पहले, उससे पहले पहले क्योंकि खानदानी लोग हैं। अब हम सोच रहे कि राजी कर। हाँ, लड़की भी यही सोचती है कि किसी तरह से उसका घर परिवार बचा रहे। हाँ, फिर हमने खूब की उनसे, यही तो। और अब इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया, अब बेचारी ने क्या करा, इन्होंने कह दी मर जा। बिना बाप की बेटी है वो, उसके पिताजी नहीं है, ये उसके बड़े डैडी हैं। बिचौला तो कही कि 12 लाख दिला दो और इसका रिश्ते को छुड़वा दो, इन्होंने कही थी। अच्छा, 12 लाख रुपए ले लो और ये रिश्ता छुड़वा दो। हर बार तो ये कहना बताओ, बिचौला था उससे कही थी 12 लाख ले लो, लड़की को छोड़ ले जाओ। इस लड़के ने ये गाली गलौज देखी जाए, बेल्ट से मार। अब कल क्या हुआ था? कल आपको मैंने बताया था ना, एक शादी में गए थे ये, उनके बड़े पापा का आमना सामना हुआ, सतवीर जी का और इनका। हाँ, तो उन्होंने कोई नमस्ते वगैरह नहीं करी होगी, लड़की को बुरा लगा। उन्होंने कहा मतलब 6-7 महीने में पापा जी का आमना सामना हुआ है तो आपने उनसे नमस्ते भी नहीं करी। तो उन्होंने कह दिया निकम्मे खानदान के लोग हैं, मैं उनसे नमस्ते नहीं करता। फिर इसी वजह से उसने भी थोड़ा कुछ बोल दिया होगा, उसे वाटिका से मारता मारता घर तक लाया। फिर उसने और कहा कि मरती है तो मर जा बेशक। फिर उसने ये कदम उठा लिया, उसने सरफराज की गोली खा ली।
घर पे जबरदस्ती मतलब उसे टॉर्चर कर दिया मरने के लिए। आपको आपको कब पता लगा? मेरे पास मुझे हमारे पास किसी ने फोन नहीं करा, किसी अदर से फोन आया था हमारे पास। अच्छा। इनके परिवार वालों ने किसी ने फोन नहीं करा था मेरे पास। ये हॉस्पिटल में ले आए तो आप? हाँ, हॉस्पिटल में ये खुद ही लेके आए थे, हम तो बहुत लेट आए थे। रात को ले आए थे? हाँ रात को ले आए, हमें तो रात को 1:30 बजे पता चला। दो दो बच्चे हैं, दो छोटे बच्चे हैं, वो तो अभी रो रही है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए तो वो रो रही है, पर ये लोग कैसे सुधरेंगे? मैं तो इन लोगों को 5 साल से देख रही हूँ, हर 20 रुपए की चीज के ऊपर लड़ाई होती है इनके घर में। ऐसा ये समाधान हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। समाज हमारा समाज है, प्रजापति समाज जी। आपका हमारे प्रजापति समाज के प्रधान है। अच्छा अच्छा, लड़के की तरह, लड़के वालों की तरह? समाज जी जी बिल्कुल हमारे। अभी हमने यहाँ फरीदाबाद में शादी 15 जोड़ा की शादी कराई है, हमारे प्रधान जी धनीराम गोला जी, हम भी हैं उसमें। हमें बल्लभगढ़ में आपने सुना होगा, देखा पत्र जोड़ान की जो शादी करी थी। हमारे लिए सब समाज एक है, बेटी वाला वो हमारी बेटी भी है, बेटा भी हमारे हैं, सभी है। बेटी वाला तो पहले ही होता है। और हमारे बेटी वाले और बेटे वाले सभी हमारे ही हैं, वो तो समाज हमारा है। हम ये इन लोगों को कह भी चुके हैं भाई, ऐसा है ये समाज में गलत मैसेज जाता है। ठीक है, उस बेटी ने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोई भी चीज़ है, झगड़ा लगा, ये छोटे छोटे दो बच्चे हैं उनके, वो फौज में है, वो कभी जो भी आते होंगे। मतलब बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो रोज नहीं रहते घर पे तब ये। मैं ये कह रहा हूँ, भगवान ना करे, चलो जान चली जाए, दो बच्चे इनका क्या हुआ, उन जीवन में बच्चों का क्या होगा। तो इस तरह से मैं ये चाहता हूँ कोई भी ऐसी बात ना हो करके। वो मैंने सुना है, वो औरत भी ये कह रही थी मेरी से गलती हुई है, कोई ऐसी बात नहीं, मतलब जो मेरा खुद का वो था भाई, कुछ दवाई रखी हुई थी जो मैंने किसी कारणवश, मैं तो दूसरी दवाई रखी थी, मैं उसको खा ली थी। बाकी कोई जो देखो पहले कहानी क्या होती है क्या नहीं होती, बैठ करके एक मसला समाज हल कराएगा। बेटी को हमें एक जगह बेटी सुरक्षित रहे, बच जाए हमारी बेटी, हमें बड़ी वो होगी। क्योंकि जीवन जब इंसान का होता है तो कई बार आदमी को लगता है क्यों उसका घर परिवार बर्बाद हो। दो बच्चे हैं जी, चलो ये जीवन चला जाए, दो बच्चे इनका क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह की नहीं, इस तरह की देखो मैं इस तरह की बात मत कहो सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, इस तरह के हमारे भाग अच्छे नहीं लगते। क्यों? जब तक कोई भी पाप का भागी वो होता है जो बिना देखे कोई वो डिसीजन ले, तो ये समाज बैठेगी जो मरने से, तो एक कम से कम जो भाई उसका अलग हो। और बहुत समय हो गया, घर में खाऊं फिर तो जान प्यारी लगेगी, घर खाऊंगी मैं। ना नुकेरी, नुकेरी। ये बताओ, इससे पहले भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसे ही हुआ होगा, कोई ऐसा ही करेंगे जिसका इसका हल भी करेंगे, समाज बैठ करके करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जो समाज समाज से बड़े नहीं, आपने भी समाज के सामने कोई बात नहीं रखी अब तक, कहीं भी ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं था। मैं फरीदाबाद प्रजापति समाज का एक्स प्रेसिडेंट हूँ। अब ये मामला हमारे सामने आया है, गलती है तभी तो बेटी ने ये कदम उठाया है। लेकिन दोनों पक्षों को समझाएंगे और लड़की के साथ जो अब तक अन्याय होता रहा है कोशिश करेंगे, समझाएंगे कि आगे से इस तरह की प्रॉब्लम परिवार में न क्रिएट हो। लड़का कहता है मेरा कुछ नहीं उगाड़ा, उबार सकते जो तो मैं करना कर लो, अभी भी धमकी दे रहा है, अभी भी रात को भी धमकी दे रही। लड़का तो फौज में है, फिर भी देखो उसे तो सही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं फौज में हूं तो मैं सब कुछ हूं मैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ड्यूटी भी चली जाती है ना। ये कल तो लड़की उसके पिताजी कहते हैं उसके मेरे पैर दबा, ये कर, वो बना खाने के लिए, वो मीठ में मीठ नहीं खाती, उनको उसमें मीठ बनवाते हैं जबरदस्ती, मां मारते कूटते हैं उसको। फिर अगर उसने 20 रुपए कुछ खाने मंगा लिए बाहर से तो उसको जब मारते हैं उसको। अब भी लड़का नगर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जो तुम्हें करा जा कर लो, बताओ रात को ऐसे धमकी दे रहा है। वो सोच रहा मैं फौज में हूँ तो इसलिए बहुत फौज के दोस्त दिखा रहा हमें। लड़की अगर केस कर देगी तो फिर फौज में क्या हो? बिल्कुल टॉर्चर कर रखी, मजबूरी खिलाया जहर जहर खाने में, मजबूर करा उन्होंने, कह रहे हैं मां जहर खा के मर जा, कर जा उगड़ जा, बहुत बुरी। हम लोगों को गाली देता है वो, नीच खानदान के, फलाना खानदान के, नीच खानदान के आप हो हमें। कंप्लेंट कर दिया सर, देखो बेल्ट की नौकरी कर रहा है तो बेल्ट का इस्तेमाल मारने के लिए हो रहा है क्या? ये कोई तरीका थोड़ी है। अगर ये लोग डिपार्टमेंट में होके फिर ये सब करेंगे तो कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी? आप पुलिस में कंप्लेंट कर देते क्या? हाँ जी, ये आर्मी में है, पुलिस में हमने बीटी कर दी थी रात को, तो ASI दिनेश जी आए थे तो उन्होंने बोला ये हॉस्पिटल तो मेरे एरिया में पकड़ लगता है, लेकिन ये मुकदमा जो है ये पर्वतीय कॉलोनी का है,
तो सुबह उन्होंने रात को वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है, अब वो वहाँ से आएंगे। अब तो अब क्या चाहते हैं ये बताओ कि क्या चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, अब लड़की को अपने पास ले जाएंगे, अब अपने घर, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने साल हो गए इन्होंने क्या एक पता मार देंगे, पचासों बार मार चुके इसलिए अब जी अब ये कह रहे हैं कि लड़की को ले जाएंगे तो अपने पास। हाँ देखो जी ऐसा है, बेटी आप घर या बाप घर कोई बात नहीं, उसका थोड़ा वो कर्म वो निकल जाएगा, बैठ के डिसाइड कर लेंगे भाई जैसी भी है। देखो हमारे लिए तो बेटी सबसे पहले प्रिय बेटी होती है, तो बेटी होती है, कोई बात नहीं, जब समाज इकट्ठा होगा लोग जाएंगे बैठेंगे उठेंगे तो उनसे भाई ऐसा जीवन जाने से तो ऐसा अलग रह लेगी भाई, अपना खर्चा दे देगा भाई, अगर नहीं बनती है तो ठीक है अलग रह लो। बच्चे सियाने हो जाएंगे, ये बच्चे सियाने हो जाएंगे, थोड़ा कुछ दिन की बात है, आदमी की बुद्धि का फर्क। सबसे पहले प्राथमिकता है कि बेटी सही हो जाए, वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद वो जो डिसीजन लेगी, वो अगर जो अपने घर जाना चाहेगी तो घर भी भेज देंगे, उसके बाद भी हर तरह के समाधान है। और वो अगर ये कहेगी कि भाई मेरे बच्चा परिवार घर यहीं पर है और मेरी घर पर अपने घर जाने से जिंदगी नहीं कटती है, तो जो वो डिसीजन लेगी वो उसी का डिसीजन सर्वोपरि होगा। सही बात है, हम तो सामाजिक तौर पर दोनों पक्षों से यही अपील करेंगे कि भाई खुश हंसी खुशी रहे, बढ़िया तरह से रहे। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं कि दोनों परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और अभी लड़की इमरजेंसी में है और दोनों परिवार यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब लड़की ठीक हो जाए तो उसका जो फैसला रहेगा वो जो चाहेगी उस पर अमल किया जाएगा, और अगर वो रहना चाहती है तो रहेगी, नहीं रहना चाहती तो अपने घर आ जाएगी। और इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है पुलिस को इन्होंने सूचना दे दी है, पुलिस भी अभी पहुँचती होगी, इसमें क्या आगे कार्रवाई होती है वो भी आपको बताएँगे और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।